बसमरम्रिक्षम वरम वर्क मोहतरम नाजरीन बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जना ने कश्मीर को पाकिस्तान की करार दिया था जिस तरह जिसम इंसानी को बरकरार रखने के लिए शाह की हिफाजत ज़रूरी होती है इसी तरह उन्होंने बजा तौर पर महसूस किया कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई हसीियत को कायम रखने के लिए कश्मीर को भारतीय चुंगल से आज़ाद कराना अशद ज़रूरी है वो तहरीकें पाकिस्तान को पुरमन तरीके से अपने हदफ तक पहुँचाने के बावजूद कश्मीर के मसले को जंग के ज़रिए भी हल करने पर आमादा हो गए थे चुनाचे उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के अंग्रेज़ कमांडर जनाब जनरल डगलस ग्रेसी को हुक्म दिया था कि वो कश्मीर पर हमला करे मगर उसने कायद के हुक्म की नाफरमानी की, ना की। अल्लाह भला करे इन कबाइलियों का जो मैदान में निकले और मामूली नौीय के असला से भारतीय अफवाज को पीछे दखेला और कश्मीर के कुछ हिस्से को आज़ाद करवा लिया जिसे आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं सियासतदानों की सियासत कुछ दिन और आरे ना आती तो कबाइली जम्मू भी आज़ाद करवा लेते बहरहाल पाकिस्तान की शहरक का बड़ा हिस्सा दुश्मन के कब्जा में चला गया और ता हाल दुश्मन ना सिर्फ ये किस पर काबिज है बल्कि अपने कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी इख्तियार कर रहा है इसने दूसरी इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कोवतों के साथ मिलकर जो साजिशें की हैं वो डकी छुपी नहीं हैं अलबत् ख़तरनाक बात यह है कि इसने हमारे अंदर भी मारे तलाश कर ली है एक वो वक्त था कि कश्मीरी क्यादत ने 19 जुलाई उन्नीस को करारदाद अल्हा पाकिस्तान मंजूर की थी और कायद इकबाल की उमंगों के आयन मुताबक पाकिस्तान ही को अपनी मंजिल करार दिया था और इसी के नक्श कदम पर चलते हुए 1971 में सरदार अब्दुल क्यूम ख़ाह मरहूम ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया बाद इस नारे को कानूनी तहफ़ भी फ्रहम किया गया और रियासत के तमाम सरकारी मुलाज़मीन के लिए ज़रूरी करार दिया गया कि वो नज़रिया इलाहा पाकिस्तान पर हलफ उठाएँ लेकिन जब नाहल होने वाले सबक वज़ी अजम ने लिबरलिज़म से पाकिस्तान का मुस्बिल वाबस्ता किया हिंदू और मुस्लिम के फ़र्क को ख़त्म करने की शौरी कोशिश की और पाक भारत सरहद को महज एक लकीर करार दिया गोया कायद अज़म के कवाल और नजरिए पाकिस्तान की शदत से नफी की तो उसके असरात आज़ाद कश्मीर पर भी मुरतब हुए और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी सियासत के जेर असर ये सोच परवान छड़ी है कि कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इहाक़ पर नजरसानी की ज़रूरत महसूस की गई और इसकी और इस सोच ने राजा फारूक हैदर जो आज़ाद कश्मीर के वज़ी अजम हैं उनकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकाले कि सवाल ये है क्या वज़र अजम आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने बगैर सोचे समझे ये कह दिया है कि अब इलाहा के बारे में सोचना पड़ेगा या उसके पीछे कोई और कहानी है अगरचे अखबारी बयान की हद तक तो ये कहते हैं कि इलाहा पाकिस्तान के अलावा किसी ऑप्शन का सोच भी नहीं सकते मगर हकीकत ये है कि उनके बयान के पस मंज़र में वो इकदाम हैं जो वजारतमा के मनसब पर फायज़ होने के बाद उन्होंने उठाए हैं उन्होंने रियासत के अदालती नज़ाम से इस्लामी कवानी के खराज के हवाले से सदर आज़ाद कश्मीर के ज़रिए जो ऑर्डीनेस जारी करवाने के की कोशिश की है और रियासी सतह पर अब तक कवानी की जो इस्लामाइजेशन हुई थी इसको जिस तरह उन्होंने रिवर्स किया है वो इस बात की गवाही है कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लादीनी पॉलिसी को आज़ाद कश्मीर में जारी करना चाहते हैं जब इस्लामी पाकिस्तान की बजाय लादीनी पाकिस्तान की तरफ सफ़र शुरू होगा तो फिर कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ क्या चीज़ जोड़ेगी आज़ाद कश्मीर की तारीफ ये है कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान मरहूम और सरदार अब्दुलकयूम ख़ मरहूम के हुकूमत में इस्लामी अदालती नजाम में दर्ज़ दर्जैल तरीक़ार वज़ा किया गया था नंबर एक तहसील और जिला की सतह पर मुकदमात की समात के लिए जज और काजी के इश्तराक से दो रुकनी अदालत का निजाम कायम हुआ नंबर दो इस निज़ाम के तहत लोगों के तनाजात शरीयत के मुताबिक तय होते थे नंबर तीन अदालती निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक शरीय कोर्ट इस्लामी नजरियाती कौंसल अफ्ताह का निज़ाम और काजी साहबान के तर अमल में आया नंबर चार तहसील और जिला की सतह पर तहसील काजी सीनियर तहसील काजी एडिशनल का काजी जिला काजी कसास, कसास और ज़िला काजी कसास कसाशैत हदूद के मुकदमात की समात के फैसले करते थे जिनके साथ दूसरे मम्बर अदा, मेम्बर अदालत यानी जजेस होते थे पाँचवा कुरान सन्नत केलम के साथ कुरान शरिया की डिग्री रखने वाले काजी साहबान ही इन मुकदमात में फैसले तहरीर करते थे जिनमें जब्ता जाति कार्रवाई के लिए साथी जजिस भी अपने दख्त करते थे नंबर छः इन मुकदमात की रिव्यू करने के लिए एपलेट शरीत कोर्ट कायम की गई थी नंबर सात दो हज़ार चौदह में सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ आज़ाद कश्मीर ने शरीत कोर्ट की तश्ील नाव का हुक्म दिया था नंबर आठ आज़ाद कश्मीर रियासत के तूल अर्ज में बासठ उमाय कराम जो कानून व शरीत का गहरा इलम रखते थे बतौर काजी इस निज़ाम को आसन तरीके से चला रहे थे और व कानूनी शाहकार फैसले लिखते थे नंबर नौ रियातीम्बली ने एक एक्ट के जरिए इस्लामाइजेशन का बेहतरीन निज़ाम कायम किया था अब हाई कोर्ट की सतह पर कायम शर्यी अदालत को ग़ैर मुसर बनाने के लिए दर्ज झैल इकदाम अमल में लाए जा रहे हैं वजीर अजम आज़ाद कश्मीर राजा फरूक हैदर ने सदर रियासत से चंद आर्डीनंस जारी करने की दरख्वास्त की है जिनकी रूह से शरीय कोर्ट आज़ाद कश्मीर के बाद वापस लेकर हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर को दे दिए गए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर ताज़राती कवानी नफाज एक्ट उन्नीस सौ चौहत्तर की दफात तेईस और पच्चीस में तरमीम करते हुए शरीय कोर्ट के अल्फाज को ख़त्म करके हाई कोर्ट के अल्फाज शामिल किए गए हैं पहले हम हिंदुओं के मुकाबले में एक कौम और एक मिलत अपने आप को समझते थे अब पाकिस्तान में अलग अलग कौमें हैं हमने अपनी तहरीक के लिए दो कौमी नज़रिया को बुनियाद बनाया था आज हम के बाहमी का शिकार होकर ख़ुद मुख्तलिफ कौमीतों में तहलील हो गए हैं चार कौमें तो शुरू से थी पंजाबी पठान सिंधी बलोची अब इसमें सराकी और महाजर का भी इजाफा हो गया है यह नफाक और मुनाफत अल्लाह ताली को कुफर से भी ज़्यादा नापसंद है वजीर अजम आजाद कश्मीर के मुँह से जो निकला है दर हकीकत हम तो ये बताना चाहते हैं कि हम जिस तरह झूठ वाद अखिलाफी और खैनत के मरतकब हुए हैं इसकी सज़ा अब हमें ये मिल रही है कि हमारी श, हमारी रगे जहाँ यानी शाह रग ही काटने की तदबीरें और साजिशें हो रही हैं क्या हम अब भी नहीं जागेंगे हमारे पास वक्त नहीं है हमें जल्द अज़ जल्द ये फैसला करना चाहिए कि अपने मुल्क को इंतशार और इफ्तराक से महफूज रखने के लिए और इसकी सूरत सिर्फ़ ये एक है कि अपने खाली को मालिक अल्लाह ताला की तरफ रजू करें इसलिए कि वही आसमानों में अला है और ज़मीन में वही हाकिम है इस रजू की दो सतहें हैं एक हकूमती यानि इजतमाई और दूसरी इनफरादी हकूमती सतह पर दस्तूरी तज़ाद को दूर किया जाए जिसकी अमली सूरत यह है कि दस्तूर की दफा दो ए को पूरे दस्तूर पर हावी करार दिया जाए और दफ़ा दो सौ सत्ताईस को इस्लामी नज़रियाती कौंसल के साथ नथी करने की बजाय दफा दो बी की हिसियत दी जाए इस तरह दफ़ा दो ए और बी को दस्तूर की बाकी तमाम दफा दफात पर हाकम बनाकर हम दस्तूर की हम दस्तूरी सतह पर नजरी तौर पर शुरु रू हो जाएंगे इनफरादी सतह पर तोबा यह रजूल ये है कि हर फर्द हराम से इजतनाब करे और हलाल पर इतफ़ा करें फ़रइज की अदायगी का फैसला करें बेहयाई बेशर्मी और फाशी और अड़ियानी से बचने के साथ साथ मगरबी तहजीब का मुकम्मल बाइकाट करे राजा फारूक हैदर की सोच को तब्दील करने का मौसर और देरपा जरिया तो पाकिस्तान में इस्लाम इस्लाम के नजाम अदल किस का नफाज ही है अलबत् शाहर की हिफाजत का फौरी समान इस तरह करें भारत से मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की बजाय इसे दो टूक अंदाज में बताएं कि जब तक मसला कश्मीर का काबिल कबूल हल नहीं होता हम तुम्हारे साथ चंद टकों की तजारत के वज कश्मीरियों की के हुरियत से बेवफाई नहीं कर सकते अगर हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें सजा देगा जिस तरह नवाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं उन्होंने भारत के सामने झुकने की हद ही कर दी मोदी जैसे पाकिस्तान के खुले दुश्मन के साथ इतनी गहरी दोस्ती कि वो अचानक बिला तकल्लुफ़ उनके दौलत खाना पहुँच जाए और ये उसे तख्ते हुकूमत पर बैठाने के लिए दिल्ली की यात्रा करें अपने कारोबार के हवाले से जंदाल से मुलाकातें करें हम किसी सूरत में भारत से जंग नहीं चाहते कि एटमी दौर में ये मुकम्मल तबाही है लेकिन उस मुल्क से दोस्ती किस तरह कर ले जो हमारे वजूद का दुश्मन है हकीकत ये है के कईदी तहरीक ह्रियत कश्मीर को नजरअंदाज करना और पाकिस्तान को लादनीत की तरफ़ धकेलना ये वो जराइम है जिनकी पर्दाश में अल्लाह ने उनको वहाँ पहुँचा दिया जिनकी उन्हें तो वो को नहीं थी याद रखिए अफरादु माशरे के जजा की, की हैसियत रखते हैं फ़र्द बहसीत फ़र्द भी जवाबदेह है और माशरे के रुकन की हसीियत से भी है अफराद में तब्दीली आएगी अफराद सादक और अमीन होंगे तो सादक और अमीन मुआशरा वजूद में आएगा और सरबराह हुकूमत तो अमानत का सिंबल होगा लिहाजा नवाज़ शरीफ की नाहली पर खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं और ना ही गमन में डूब जाने की ज़रूरत है बल्कि उसकी बजाय जवाल के इसबा पर गौर करना होगा हर फर्द इसके लिए जद्दोजहद करे ताकि उमत का ये अहम तरीन जुज जो पाकिस्तान में आबाद है पूरी उम्मत मुसलमान का रहबर बन सके فاعتبروا يا اولي الابصار